नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक के बारे में। अगेन एंड अगेन मैंने अपने रिपीटेटिव मोड में ये कहा है कि मेरे पर्सनल व्यूज काफी स्ट्रांग हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेट पैनिक कर सकता है, लेकिन अगर आपके हॉरिजन मोर देन 3 to 6 मंथ है तो यहाँ से 20-30% तक के कुछ बड़े रिटर्न नहीं है। पास्ट 6 मंथ में स्टॉक ने 40% के रिटर्न दिए हैं, जबकि 1 ईयर का रिटर्न अभी भी -20% का ही है। कुछ बड़े न्यूज भी ट्रेंड होते हुए दिखे हैं। पहली न्यूज जो इस स्टॉक में दिखी है वो यहाँ पे देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेस द कंपनी हैज रेज्ड 7000 करोड़ थ्रू द अलॉटमेंट ऑफ 70,000 नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख ईच ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। 7000 करोड़ कंपनी ने फंड रेज करे हैं थ्रू NCD, जहां 70,000 NCD कंपनी ने इशू करे हैं। इसके अलावा जो एक निगेटिव न्यूज दिखी थी वो न्यूज ये दिखी थी कि सेबी इन्वेस्टिगेट अडानी ग्रुप टाई अप विद गल्फ एशिया फंड। जितने भी गल्फ एशिया फंड के निवेश लगे हुए हैं उसको लेकर के सेबी एक बार इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है। इसके अलावा देखिए जो निवेश रहे, यहाँ देखेंगे इंडियन रेगुलेटर प्रोबिंग टाइज बिटवीन अडानी ग्रुप एंड गल्फ एशिया फंड, और कहा है अडानी की तरफ से भी इसके खिलाफ एक बड़ी बयान आते दिखी थी कि हमेशा ये एक सुनियोजित रूप से टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी प्रोब जितने भी करे गए कुछ भी ऐसे गलत जो एलिगेशन लगे हैं वो अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो अडानी के तरफ से जो बयान दिया गया था कि व्हाई अडानी इंटरप्राइजेस डिनाय रिपोर्ट डेट इज ये टू बी पब्लिश दी टेलीग्राफ का ये न्यूज है। आप चाहे तो इसको और भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इस स्टॉक के अगर हिस्टोरिकल डाटा को देखेंगे तो जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूअस कंसोलिडेट फॉर्म में है और मंथली लो के आसपास के प्राइस स्टॉक के ट्रेड हो रहे हैं। टेक्निकली स्टॉक का देखेंगे तो 6 मंथ का ही ट्रेड पॉजिटिव है। उसके अलावा पिछले 1 ईयर में स्टॉक अंडर परफॉर्म रहा है, डिलीवरी बेटर दिख रही है। इसके अलावा जो अडानी पोर्ट है यहाँ देखेंगे क्लासा ने अडानी पोर्ट को अपग्रेड करा, बाइंग अपॉर्चुनिटी बताई इसराइल हमास वॉर में, और हमने देखा था कि अडानी पोर्ट के जो एक्सपोजर है हाफिया पोर्ट जो कि इसराइल साउथ में है और ये नॉर्थ में ये सारे क्लैशेस हो रहे हैं, तो यहाँ क्लासा ने अपॉर्चुनिटी बताया और अडानी ने खुद भी अडानी पोर्ट में 2% होल्डिंग्स बढ़ाए हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेस स्टॉक के टेक्निकल ट्रेंड को, तो एक बार मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लूं और यहाँ अडानी इंटरप्राइजेस के जो प्राइस ट्रेड होते दिख रहे हैं एक बार। इसके एक बार वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखेंगे कि आखिर स्टॉक का ट्रेड क्या दिख रहा है। कुछ जो ड्राइंग है उसको मैं हटा लेता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। और ये जो एक रेंज है, रेंज बिटवीन 2366 और अपर रेंज 2600 2360 से लेकर के 2360 से लेकर के 2580, ये एक कंसोलिडेट जोन है। यहाँ काफी कंसोलिडेट कर रहा है और यकीन मानिए कि 2600 के ऊपर का क्लोजिंग, एक बार इसके ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक को प्रोबेबली जो लेकर के जा सकता है वो देखेंगे तो 4000 तक के लेवल्स भी इजिली लेकर के जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है 1960 के नीचे के SL को लगा करके, इस स्टॉक में ऑलरेडी बने हैं तो बने रहे, लंबे समय के लिए भी एक इजिली अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। और अडानी पोर्ट को एक बार मैं दिखाऊं, चूंकि अडानी पोर्ट में प्रमोटर ने बढ़ा ली है पोजीशन, क्लासा ने कर दिए हैं अपग्रेड, और यहाँ देखेंगे कि वन साइडेड ट्रेंड, लोअर साइड से देखेंगे वन साइडेड ट्रेंड रहा, थोड़ा रिटेस्ट कर रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि 1200 तक के लेवल जो है अडानी पोर्ट नेक्स्ट 6 मंथ में इजिली दिखा सकता है।